हेलो गाइस, 94+ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन कोड एप्लीकेशन के बारे में कि वन कोड एप्लीकेशन क्या है, वन कोड एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और वन कोड एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कैसे कमाने हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ भी बताऊंगा मैंने कितना पैसे कमाया और उसमें कैसे काम करते हैं, टोटल सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पर एंड तक बने रही और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है प्ले स्टोर। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करोगे ऊपर आपको सर्च कर लेना है वन कोड। जैसे ही वन कोड सर्च करोगे आपको टॉप में मिल जाएगा वन कोड वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन ओपन करना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, आप यहाँ से भी प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, आगे करता हूँ ओपन। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन और साइनअप का दोनों का सेम प्रोसेस है, लेकिन साइनअप जैसे करोगे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिटेल मांगेगा, वो आपको आप थोड़ा पढ़ के आप अपने हिसाब से फिल कर देना। मेरे यहाँ ऑलरेडी अकाउंट है, मैं अपना इसमें नंबर डालूंगा। जैसे नंबर डाल के आगे प्रोसेस करूंगा वैसे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिकली ले लेगा और मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको अर्निंग दिखेगा। जैसे मेरा अर्निंग दिख रहा है, माई टोटल अर्निंग आपको दिख रहा है 724 रुपीज़। ठीक है, 724 रुपीज़ आपको दिख रहा है। ये मैंने 2 से 3 लीड सेंड किए, मैं आपको बताता हूँ कितना कितना देखो। मेरा 2 ही लीड है, 3 लीड है। जेस्ट मनी का अकाउंट मैंने ओपन करवाया था, कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने एक अकाउंट ओपन करवाया था और मैंने एक लिंक भेजा था जिससे किसी ने पर्सनल लोन लिया था। वो किसने लिया था मुझे वो भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे आ गया है पैसा। ठीक है, और चौथा लिंक है कि एक मैंने एक इंटरनेट से मतलब ब्रॉडबैंड का एक रिचार्ज किया था, तो वो तो ठीक है, रिचार्ज का भी इसमें कमीशन मिल जाता है। अगर आपको रिचार्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे काम कैसे करना है। काम नीचे देखो कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिया है, वो कैटेगरी आप क्लिक करके देख सकते हो आपको यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल्स प्रोडक्ट हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, अदर लोन, बिजनेस लोन और पे लेटर ईएमआई कार्ड, पे लेटर ईएमआई कार्ड। और इसमें बैंक अकाउंट भी है, 12 बैंक का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और यहाँ पे कुछ बैंक होल्ड्स भी अभी कुछ टाइम के, लेकिन ये भी रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन है, जुपिटर पे 600 का कमीशन है। लेकिन आपको ये जो आप अकाउंट ओपनिंग करवाते हो तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे इंस्टेंट केवाईसी भी करवाना है। केवाईसी आप करवा दोगे तो 110% आपको इसका रिवॉर्ड पॉइंट मतलब जो भी इसका कमीशन है आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे कोटक महिंद्रा कुछ बैंक में ना केवाईसी के लिए कुछ कंडीशन होती है, उस टाइम पे अगर वो फुलफिल नहीं होती है ना तो अगले दिन का विजिट होता है, मतलब फिजिकल केवाईसी। तो फिजिकल केवाईसी का शेड्यूल आप करवा सकते हो, लेकिन वो कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे कि जुपिटर में नहीं होगा और एक दो बैंक है ये जो न्यूयॉर्क्स कर है इसमें भी नहीं होगा, तो इसमें ऑनलाइन ही होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि वो उसी टाइम पे हो जाए। ठीक है, और बाकी तो कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, इसमें तो आप फिजिकल केवाईसी के लिए भी कस्टमर को बोल सकते हो, उनकी फिजिकल केवाईसी भी आप शेड्यूल उनका उसका भी करवा सकते हो। ठीक है, और पे लेटर ये तो सब आप जब काम करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको लिंक भेजना है, बाकी सब जो सामने वाला बंदा जिसको आप लिंक भेजोगे वो ऑटोमेटिकली खुद कर ले, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को पता है कि कैसे कैसे अकाउंट ओपन करना है, पढ़ पढ़ के आप सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है आपको, बस लीड्स भेजते रहना है, कंटिन्यूसली ग्रुप बना रहना है, जो भी टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपको जैसे भी करके मार्केटिंग करनी। नीचे इसमें एक और ऑप्शन है ट्रेनिंग का, आप ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग ले सकते हो कि कैसे अकाउंट ओपन करवाना है, मतलब कौन से प्रोडक्ट कैसे किस तरह सेल करना है, उसमें किस तरह अकाउंट ओपन करना है, कैसे किस तरह मतलब उस किस कैसे कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस आपको ये इधर पे सीखने मिल जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन आता है टीम का, टीम मतलब कैसे होता है ना कि आप किसी को रिफ़र करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिफ़र किया अपने मेरी टीम देख सकते हो आप कितनी, मतलब 6 लोगों की टीम है, 6 लोग में से मतलब एक बंदा काम कर रहा है, तो वो बंदे का मुझे कमीशन वो भी जितना भी अर्निंग कर रहा होगा मुझे उसका 10% अभी तक मिल रहा है। ठीक है, और आप लाइव आप देख सकते हो सामने ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने 2 लीड जनरेट किए, दोनों लीड का मुझे मतलब कमीशन मिला है। देखो आप इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो पेड कमीशन के अंदर देखो उन्होंने किसी के दो अकाउंट मतलब उन्होंने आगे रिफर किए होंगे, उन्होंने जितना ही पैसा कमाया होगा उसका मुझे 10% मिला है और मुझे 100% यहाँ पे 10% मिला है। ठीक है, तो ये एक अलग बेनिफिट है इसका रिफर का, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जिसका आप अकाउंट ओपनिंग करते हो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि देखो मैं इस तरह पैसा कमा रहा हूँ, आप भी आगे पैसे काम करके पैसे कमा सकते हो। सिंपल से स्टेप लेना है और अर्निंग करनी है, मतलब फुल टाइम कोई जिसके पास जॉब नहीं हो तो फुल टाइम भी कर सकता है, लेकिन जिसके पास जॉब है वो पार्ट टाइम में एटलीस्ट, जैसे कि कहीं आप कुछ काम के थ्रू चल गए, वहाँ किसी को जरूरत पड़ गई बैंक अकाउंट की, तो आप बता सकते हो कि मैं बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ, मुझे आता है, ऐसे वैसे बता के मतलब अपना वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो भी काम कर सकते हो। और इसमें रिफर अर्न का मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, देखो यहाँ पे आपके ट्रिपल इधर जो ऊपर लोगों का एरो आपके
नाम के जस्ट बाजू में थ्री लाइन्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो रिफर एंड अर्न का ऑप्शन आएगा। जैसे ये माई नेटवर्क पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रिफर का ऑप्शन आएगा। जैसे आप रिफर कर दोगे तो व्हाट्सअप फेसबुक के थ्रू आप रिफर कर सकते हो, रिफर के अंदर आपको रिफर करके भी आप अच्छा खासा कमीशन कर सकते हो, क्योंकि वो टीम के अंदर जो भी जितना भी जब तक काम करेगा उसका 10% आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आपको इसमें अकाउंट ओपन करने के टाइम पे केवाईसी करवा लेनी है। मैं ऑलरेडी मेरा केवाईसी मेरा डन है, इसलिए यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड बता रहे हैं, तो आपको अकाउंट ओपन करने के टाइम पे ही केवाईसी करवा लेनी है। केवाईसी करने का सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका देना है वैलिड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, तो आपका जो भी अकाउंट है वेरीफाई कर देंगे और आपका अकाउंट सक्सेसफुली चालू हो जाएगा और वहाँ से फिर आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन लगा है, मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।